हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुराग और आप मेरे साथ देख रहे हैं लर्निंग लैब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, ये हमारी फोटोशॉप की आज दूसरी क्लास है और इस क्लास में हम देखने वाले हैं फोटोशॉप के अंदर लेयर पैनल को। लेयर पैनल को देखना बहुत ही जरूरी है। कोई काम स्टार्ट करने से पहले हमें लेयर पैनल को समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने छोटी सी चीज़ें ओपन की थी फोटोशॉप में, फिर किसी भी फाइल या पिक्चर को ओपन कैसे करना है, उसको सेव कैसे करना है और छोटे छोटे कुछ टूल्स देखे थे जो रिक्वायरमेंट थी। अभी जो देखेंगे हम लेयर पैनल को देखेंगे, क्योंकि फोटोशॉप एक लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है और विदाउट लेयर को समझे हम फोटोशॉप में आगे कुछ काम करना बहुत ही टफ हो जाता है। इसलिए जो आज हम हैं, हम लेयर पैनल को समझेंगे थोड़ा सा। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ हम इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि लास्ट क्लास में जब मैंने फोटोशॉप स्टार्ट किया था तो आपको ऐसा लगा था कि मैं फोटोशॉप ही कंटिन्यू करने वाला हूँ, दूसरे जो सॉफ्टवेयर्स में कर रहा था, ट्यूटोरियल्स बना रहा था, उन्हें स्टॉप करने वाला हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आगे भी न्यू और अदर सॉफ्टवेयर्स के जो भी ट्यूटोरियल्स हैं वो लेके आता रहूँगा, लेकिन थोड़े कम होंगे। वीक में एक ट्यूटोरियल होगा न्यू के दूसरे सॉफ्टवेयर्स के, और जो हम अभी कर रहे हैं फोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स को कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेयर पैनल को, थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे और अच्छे से जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये लेयर पैनल के बारे में। और तो आगे चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेंगे। और अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा तो वहाँ जाके फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेंगे। ओके, तो हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए। ये हमारी वेलकम विंडो है, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था। थोड़ा लास्ट का अगर वीडियो देखा है तो इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली मैं फाइल में जाता हूँ और यहाँ से आपको कर देना है न्यू। न्यू में करते ही लास्ट टाइम मैंने जैसे आपको दिखाया था, यहाँ काफ़ी सारे प्रीसेट्स हमें मिल जाते हैं। सेव में कुछ तो नहीं है, फोटोज़ में है, प्रिंट में है, तो हम डायरेक्टली फोटोज़ का जो है एक लेने वाले हैं। तो डायरेक्टली यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट मिलता है मैं उसको क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे अनटाइटल्स की जगह हम कुछ नाम दे देते, तो हमारी ये सेकेंड क्लास है तो मैं इसमें क्लास 02 ऐसा कुछ कर देता हूँ। इसके बाद ये विथ और हाइट है, इंचेस में है, इसको ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं हम। और यहाँ पे बैकग्राउंड का जो है कलर आप चेंज कर सकते हैं। अगर चेंज नहीं करेंगे तो इस फाइल में जो लेयर बन के आएगी वो वाइट कलर की आने वाली है। तो यहाँ पे ज़्यादा समझने की मैं अभी ट्राई नहीं करूँगा, आगे के स्टेप में जैसे बढ़ते जाएंगे इन चीज़ों के बारे में क्लियर करता रहूँगा। अभी जो हमें देखना है डायरेक्टली हमें कर देना है क्रिएट में क्लिक। क्रिएट में क्लिक करते ही आपको देख पाएंगे कि यहाँ पर एक बैकग्राउंड आ गया है वाइट कलर का। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, मैं देख रहा हूँ मेरी लेयर से यहाँ से ऑफ हो गई है, शायद लास्ट टाइम मैंने क्लोज करते हुए इसे क्लोज कर दिया था। अगर आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रही तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको विंडोज़ में जाना है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा लेयर्स का ऑप्शन, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये लेयर पैनल दिख जाएगा। तो मोस्टली जो आज का हमारा क्लास है इस लेयर पैनल के ऊपर है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और कैसे वर्क करता है वो चीज़ें देख लेंगे। तो बात ये इसकी हो गई। अभी मैं जो काम करूँगा तो कुछ इमेजेस मैं लेके आऊँ, तो उन इमेजेस को हम ओपन कर लेंगे। डायरेक्टली मैं जाता हूँ ओपन पे और ये कुछ इमेजेस हैं, तो मैं इन इमेजेस को ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ डायरेक्टली और यहाँ से कर देता हूँ ओपन। जैसे ही मैंने ओपन में किया तो जो फर्स्ट इमेज भी आप देख पाएंगे जो मैंने ओपन करी हुई है, ये ऐसा बैकग्राउंड इमेज आ रही है। तो जो हमारी बेस इमेज होती है, मतलब कि जब हम किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, जो भी बेस प्लेट होगी या जो भी हमारा फोटो इमेज या लेयर होगी वो बैकग्राउंड लेयर के हिसाब से आएगी और उसमें एक ये लॉक रहेगा। तो इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करते हैं। अभी मोस्ट थिंग क्या है कि हमें इस वाला जो क्लास 02 का हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करा हुआ है जिस पे हम काम कर रहे हैं, इन इमेजेस को लेके यहाँ पे आना है। तो इन इमेजेस को कैसे लेके आ सकते हैं वो चीज़ें देख लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट टाइम मैंने आपको क्या बोला था, राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर करना है और जो प्रोजेक्ट का नाम है जैसे कि यहाँ पे क्लास 2 करके ओके करना है, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली आपकी इमेज चली जाती है। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा अलग करूँगा चीज़ें, नेक्स्ट अलग तरीके से बताऊँ कैसे करना है। आपको इस इमेज को सेलेक्ट करना है, इसे क्लिक करना है और होल्ड करना है और उसके बाद आप देखेंगे ऐसा कुछ आ रहा है, इसको आपको लेना है और ड्रैग करते हुए इसके ऊपर जाना है, जो हमारी डॉक्यूमेंट विंडो है इसके ऊपर ऐसे जाना है और धीरे से सेंटर में जाके ऐसे ड्रॉप कर देना है। जैसे आप ड्रॉप करेंगे ये इमेज डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगी। तो ये इमेज हमारी यहाँ पर आ गई है, हमें सेम वर्क दूसरी इमेजेस के साथ करना है। ये मेरे पास इमेज है तो इसको मैं सेलेक्ट करूंगा एंड ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर दूंगा। इस इमेज को भी हमने कर लिया है, अब इस इमेज को थोड़ा सा देख लेंगे, इस इमेज को भी हम यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे हमारी लास्ट एक और इमेज बनी है जो कि है ये इमेज। तो इन इमेजेस को हमने धीरे से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, लेकिन आप देख पाएंगे कि इन इमेजेस क्या है कि ये जो टॉप वाली इमेज है इसके अराउंड में पीछे की जो इमेजेस हैं वो छुप गई हैं क्योंकि नीचे की तरफ हैं।
तो जो लेयर है, एक तरीके से लेयर हमारा ट्रांसपेरेंट होता है एरिया। जैसे अभी मैं इनकी विजिबिलिटी यहाँ से आप देख सकते हैं, इनको ऑन ऑफ यहाँ से किया जा सकता है। तो मैं धीरे से इन लेयर्स को ऐसे करके ऑफ कर सकता हूँ। ये हमारी बैकग्राउंड लेयर को भी है। मैं एक्चुअली व्हाइट कलर की इसको भी ऑफ करेंगे तो इनको हम ट्रांसपेरेंट पिक्सल करते हैं। जो आपको चेकर बोर्ड दिख रहा है, ये ट्रांसपेरेंट पिक्सल है। तो वापस से ऑन करते हैं और थोड़ा सा हम इनको रीअरेंज करने की कोशिश करेंगे इन इमेजेस को। तो रीअरेंज कैसे करना है वो चीज़ें हम देख लेंगे। ये एक्चुअली सेंटर में आपको दिख रही होगी, मुझे ये सेंटर पे नहीं चाहिए, ये मुझे चाहिए यहाँ कॉर्नर पे या डाउन पे मुझे रखनी है इस इमेज को। तो मैं कैसे कर सकता हूँ सिंपली, तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है जो कि है मूव टूल। इसको हम कहते हैं मूव टूल। तो मूव टूल की मदद से मैं इस लेयर को सेलेक्ट करूँगा और धीरे से रीअरेंज करते हुए यहाँ लेके आ जाऊँगा। ओके, अब मैं अपने नेक्स्ट लेयर को सेलेक्ट करता हूँ ये लेयर से। तो इस लेयर को मुझे क्या करना है, मैं टॉप राइट कॉर्नर में से रखना चाहता हूँ। तो मैं धीरे से इसको यहाँ पे रीअरेंज कर दूंगा। अब बात आ जाती है हमारी इस लेयर की। अब इस लेयर को सेलेक्ट करता हूँ तो ये काफ़ी वाइड और ब्रॉड इमेज है, मतलब बड़ी इमेज है, साइज में बड़ी है। एक्चुअली इस इमेज को मैं इतना बड़ा नहीं रखना चाहता हूँ, थोड़ा साइज को छोटा करना चाहता हूँ। कैसे कर सकते हैं, बहुत ही आसान सिंपल है। आपको यहाँ पे जाना है एडिट में और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है प्री ट्रांसफॉर्म। तो फ्री ट्रांसफॉर्म में आपको कर देना है क्लिक। जैसे आप फ्री ट्रांसफॉर्म में क्लिक करेंगे, एक इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, मत देख पाएंगे। एक ये देखिए पूरे चारों तरफ से एक बॉक्स आ जाता है। तो ये ट्रांसफॉर्म बॉक्स है एक्चुअली। तो इसको हम रिसाइज करके छोटा कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐसा करके छोटा कर सकता हूँ, क्योंकि अभी देखिए प्रोपोर्शनली छोटा और बड़ा हो रहा था। ओके, अगर इसको मुझे अभी पर्टिकुलर स्ट्रेच करना है या वर्टिकली हॉरिजॉन्टली ज़्यादा करना है, तो आप शिफ्ट के साथ इसको ऐसा कुछ कर सकते हैं। जो फोटोशॉप के लास्ट वर्जन जैसा कि मैंने यूज किया था, तो अभी एंटर कर दूंगा और कंट्रोल जेड कर लूँगा तो ये अपने ओरिजिनल साइज में आ जाएगी। तो जो फोटोशॉप के लास्ट वर्जन थे उसमें थोड़ा अलग था, शिफ्ट के साथ करते थे तब ये हमारा प्रोपोर्शनली स्केल अप स्केल डाउन होता था, और नॉर्मली शिफ्ट के साथ नहीं करते थे तो स्ट्रेच होता था। अभी क्या, अब इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल टी से आप ट्रांसफॉर्म फ्री ट्रांसफॉर्म को लेके आ सकते हैं और धीरे से इसको स्केल डाउन कर सकते हैं। और इसके बाद में आपको ये टूल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ट्रांसफॉर्म सेलेक्ट किया, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ओके, तो आप धीरे से इसको मूव कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म, अगर आपने सेलेक्ट कर रखा है तो ऐसा करके जहाँ आप इसे चाहें वहाँ मूव करके ऐसा रख सकते हैं इसको, ऐसा कुछ। और चाहे थोड़ा स्केल अप इसको, और ट्रांसफॉर्म को यहाँ से आप डायरेक्टली बाहर क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो भी ट्रांसफॉर्म आपका यहाँ से हट जाएगा, या तो कंट्रोल टी आपने रखा है एंटर करेंगे तो भी आप ट्रांसफॉर्म यहाँ से चला जाएगा। अब बात कर लेते हैं, हमारे पास एक इमेज ये है, ये भी काफ़ी वाइड इमेज है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं कंट्रोल टी करता हूँ। कंट्रोल टी करने के बाद हमारे यहाँ ट्रांसफॉर्म आ गया है। प्रोपोर्शनली मैं इसको स्केल डाउन करूँगा और यहाँ पे लाके ऐसा कुछ प्लेस कर दूँगा। ओके, तो ये हमने ट्रांसफॉर्म को देख लिया, कैसे इस पर ट्रांसफॉर्म को वो करते हैं। तो जैसे कि आप पता है लेयर पैनल में पहले मैंने बताया था ये विजिबिलिटी के ऑप्शन है। यहाँ से मैं अगर इसको ऑफ करूँगा तो ये विजिबिलिटी धीरे धीरे यहाँ से ऑफ हो जाएगी ऐसे करके। ओके, तो इन्हें वापस से ऑन कर सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे चाहिए कि मैं सिर्फ इस इमेज की विजिबिलिटी को ऑन रखना चाहता हूँ, बाकी जितना मेरे इस लेयर पैनल में है बाकी इमेजेस को जो है मैं इन्हें ऑफ करना चाहता हूँ। तो कैसे कर सकता हूँ सिंपली, आप क्या करना है, ऑल्ट के साथ अगर आप इसे क्लिक करेंगे ऐसा, अभी क्या हुआ है मेरी जो टॉप टॉप लेयर है वो ऑन है, बाकी की लेयर जो है वो ऑफ हो गई हैं। अभी मान लीजिए मुझे क्या करना है, सारी लेयर्स की विजिबिलिटी को ऑन करना है, वन बाई वन नहीं जाएंगे, सारी लेयर्स की विजिबिलिटी को ऑन करना है। तो आपको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस करना है और उसके बाद क्लिक कर देना है। आप किसी भी इमेज में जाके क्लिक कर सकते हैं ऐसे, तो उसकी विजिबिलिटी ऑन हो जाएगी। अपनी लेयर पैनल में जितनी भी इमेजेस हैं उनकी सारी विजिबिलिटी को ऑफ ऑन कर सकते हैं। वन मोर थिंग, जैसे कि अभी आपको क्या यहाँ पे जैसा मैं देख रहा हूँ, ये सबसे बैकग्राउंड में जो सबसे नीचे लेयर्स है, जैसे कि ये लेयर लेयर वन सबसे नीचे लेयर वन है, तो इसके टॉप में जो लेयर आ रही है इसके ऊपर आ रही है। तो अभी मुझे क्या चाहिए, इस लेयर को मुझे, ये लेयर एक्चुअली टॉप पे चाहिए, ये बैकग्राउंड पे चाहिए, ये सबसे बैकग्राउंड पे जो सबसे नीचे लेयर चाहिए, सारी लेयर्स इसके ऊपर हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
मैं सिंपली इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा और इसके नीचे धीरे से ड्रॉप को आपको पकड़ना है और ड्रॉप कर देना है। और आप देखें कि दो लाइंस यहाँ पे बन रही हैं, तभी आप ड्रॉप करें। ऐसा ड्रॉप करूँगा तो कुछ ऐसा देखिए आ जाएगा। तो ये चीज़ हो गई। अभी सेम मैं चाहता हूँ कि ये तो ऊपर आ गई, मैं इस इमेज को नीचे करना चाहता हूँ, तो अभी इस इमेज को लूँगा, इसके नीचे डाल दूँगा, तो ऐसा कुछ आ गया। तो ऐसा करके थोड़ा थोड़ा चीज़ें आप खेल सकते हैं ऐसा कुछ करते हुए। ओके, तो कंट्रोल जेड करता हूँ, जैसे जो थी उसको वैसे सेट कर देते थोड़ी देर के लिए। ओके, तो थोड़ा सा हम अपने ये जो हमारा मूव टूल है इसको डीप में देखेंगे। तो यहाँ ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन है, इसे मैंने थोड़ी देर के लिए ऑफ कर रखा है। तो अभी मैं क्या करूँगा, जैसे कि आप बताता हूँ, जैसे मुझे पर्टिकुलर ये बैकग्राउंड लेयर को मूव करना है तो मैं इस लेयर को सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद इसे मूव कर सकता हूँ। सेम थिंग क्या है, अगर मैं इसके बाद कोई और लेयर मूव करना चाहूँ तो इसको भी सेलेक्ट करने के डायरेक्टली इसे नहीं कर सकता हूँ। अगर इसका फ़ायदा क्या है, अगर ऑटो सेलेक्ट में आपने किया, ये मेरी मान लीजिए ये लेयर सेलेक्ट है ये वाली, तो मुझे मूव करनी ये लेयर, तो मुझे डायरेक्टली यहाँ क्लिक नहीं करना, डायरेक्टली यहाँ जाऊँगा, यहाँ से मूव कर सकता हूँ। सेम हम इस लेयर के साथ कर सकते हैं और इस लेयर के साथ भी कर सकते हैं। तो ऐसे आप कुछ मूव कर सकते हैं। तो ये हो गई। अब पर्टिकुलर मुझे चाहिए कि मैं इन दो लेयर्स को एक साथ मूव करूँ, तो मुझे क्या करना है, कंट्रोल के साथ दो लेयर सेलेक्ट करनी है, यहाँ से मूव कर सकता हूँ दोनों लेयर्स को। ओके, तो ये हमारा इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें हो गई मूव टूल के बारे में। मूव टूल में आगे की चीज़ें हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और मूव टूल में ऐसा कि शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल, तो अगर मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ तो दो लेयर सेलेक्ट हैं, इसलिए अगर मैं ये लेयर सेलेक्ट करूँगा तो डायरेक्टली यहाँ से ट्रांसफॉर्म, ऑलवेज ट्रांसफॉर्म यहाँ से आएगा, हमें कंट्रोल टी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसको मैं ऑफ ही रखता हूँ क्योंकि ये मुझे ज़रूरत नहीं समझ में आती इसे करने की, तो मैं डायरेक्टली इसे ऑफ कर देता हूँ। ओके, तो ये थोड़ी सी चीज़ें हो गई। अभी नेक्स्ट जो हमें देखना है, मैं ड्रॉप डाउन में जाता हूँ तो यहाँ कुछ ऑप्शंस हमें अलग अलग टाइप के मिल जाते हैं। ये थोड़ा एडवांस लेवल के हैं, सेकंड क्लास में मैं नहीं करूँगा, आगे क्लासेस में इनके बारे में डिस्कस करूँगा। लेकिन ये जो तीन ऑप्शन हैं इनको बेसिक में ज़रूर दिखाने वाला हूँ। तो फर्स्ट है, हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, हवर करें तो क्रिएट न्यू ग्रुप। ग्रुप क्या है एक्चुअली, अगर मैं इन लेयर्स को ऐसे सेलेक्ट करूँ, शिफ्ट के साथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं इतनी लेयर्स को, सॉरी इतनी लेयर्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं अगर इस ग्रुप में क्लिक करूँगा तो क्या होगा, एक ग्रुप क्रिएट होके आ जाएगा। मतलब अगर इसे ऑन ऑफ करूँगा तो सारी लेयर ऑन ऑफ होंगी, और धीरे से इस बटन पे यहाँ क्लिक करूँगा, इसके अंदर सारी चीज़ें दिख जाएंगी ऐसे। ओके, तो यहाँ से आप ग्रुप कर सकते हैं। कभी कभी जब आपका कॉम बहुत हैवी हो जाता है, लेयर्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, ब्रॉड हो जाता है, तो उस टाइम में क्या होता है, हम इस ग्रुप का यूज करते हैं। तो सिंपली इसके लिए शॉर्टकट भी हमारे पास है, मैं अभी कंट्रोल जेड कर देता हूँ। तो अगर मुझे इन चीज़ों को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी प्रेस करूँगा तो ये ग्रुप हो जाएगी, वहीं अनग्रुप करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस करेंगे तो ये अनग्रुप हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है, शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है, जैसे जाएंगे क्रिएट न्यू लेयर, तो मैं क्लिक करूँगा, यहाँ से क्लिक करते ही हमारी एक नई लेयर क्रिएट हो जाएगी। लेकिन ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट पिक्सल है, इसके अंदर कुछ नहीं है। तो सिंपली अगर मुझे कुछ पेंट करना है, मान लीजिए मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, कोई ब्रश ले लेता हूँ यहाँ से। ओके, तो ब्रश ले लेता हूँ और इसको पेंट करना है तो ऐसे कुछ मैं कहीं भी पेंट कर सकता हूँ सिंपली इसके, देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ है। और मूव करना चाहूँ तो इसको मूव कर सकता हूँ, यहीं पे इसकी ऑप्सिटी का हमारा ऑप्शन है, ऑप्सिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से, ऐसा कुछ कर सकते हैं। और यहाँ पे फिल का ऑप्शन है, फिल भी एक्चुअली ऑप्सिटी के जैसा ही काम करता है, लेकिन यहाँ पे आप दोनों को सेम समझ सकते हैं, आगे क्लास में बताऊँगा थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में, फिल और इसमें क्या डिफरेंट है वो आगे क्लासेस में क्लियर करेंगे। तो यहाँ से आप लेयर क्रिएट कर सकते हैं और कुछ ड्रॉ कर सकते हैं या टेक्स्ट भी लेके आ सकते हैं, जो कि आगे की क्लासेस में देखेंगे। अभी के लिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। और डिलीट करने के लिए सिंपली बहुत ही आसान तरीका है, आप डिलीट की का यूज कर सकते हैं, बैक स्पेस का यूज करते हैं, या तो सिंपली यहाँ से कंट्रोल जेड करता हूँ एक बार, यहाँ से सिंपली ये जाएंगे और यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। तो ये ऐसे कुछ करके हमारे ये तीन ऑप्शंस क्लियर हो गए। अभी आ जाते हैं यहाँ पे टॉप में, कुछ लॉक के ऑप्शन है। लॉक के ऑप्शन क्या है वो देखने बहुत ज़रूरी है। तो लॉक के ऑप्शन को देख लेंगे। तो जो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है यहाँ पे, ये है हमारा लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल। तो इसको देखने के लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, सारी लेयर्स को ऑफ करना है, इस लेयर को ऑन रखना है, तो ऑल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हो गया। तो ये हमारे जो चेकर बोर्ड है, ये ट्रांसपेरेंट पिक्सल है, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ सॉरी, तो यहाँ पे एक लॉक की आ जाएगी, ये ताला बन के आ जाएगा। तो अगर मूव करना चाहूँगा तो इस इमेज को मैं मूव कर सकता हूँ, लेकिन उसमें है क्या फिर ये,
जो लॉक हुआ है क्या हुआ है। अगर मैं ब्रश लेता हूँ और इस ट्रांसपेरेंट एरिया पे मैं कुछ पेंट करना चाहूँ तो नहीं कर सकता हूँ। वहीं पे अगर मैं, आप देखेंगे, इस इमेज के ऊपर पेंट करना चाहूँ, देखिए पूरी तरीके से इस इमेज के ऊपर मैं पेंट कर सकता हूँ ऐसे। तो कंट्रोल जेड कर देंगे। जो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ये है कि पेंट में है, ट्रांसपेरेंट पिक्सल पेंट नहीं कर सकते। यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन है, यहाँ पे हवर करेंगे तो लॉक इमेज पिक्सल, मतलब इमेज के अंदर के पिक्सल को लॉक करेगा। लेकिन जैसे मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, देखिए हो गया। तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो भी विजिबिलिटी इसकी ऑफ हो जाती है, मतलब कि मैं दोनों पे ही काम नहीं कर सकता हूँ। ब्रश टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड, ब्रश टूल हमारा काम नहीं कर रहा क्योंकि लेयर ऑन। तो इसके तरीके से हम ये कर सकते हैं ऐसा कुछ। लेकिन अभी भी आप अगर मूव करेंगे तो इसे मूव कर सकते हैं। ओके, इसे ऑन कर देते हैं। अभी ये ऑप्शन क्या है हमारा, ये मूव टूल है। अगर मैं मूव करना चाहूँ यहाँ से, तो इस लेयर लेयर की जो पोजीशन है वो फिक्स्ड हो गई है, इसको किसी भी तरीके से आप मूव नहीं कर सकते। लेकिन दूसरे काम इसके ऊपर पूरी तरीके से आप कर सकते हैं। आप यहाँ भी ब्रश कर सकते हैं, यहाँ भी ब्रश कर सकते हैं, या फिर कोई और भी काम कर सकते हैं। बस लेयर की पोजिशंस को आप चेंज नहीं कर सकते। और इसके बाद जो ये ऑप्शन है, इसे अभी नहीं देखेंगे, आगे क्लासेस में बताऊँगा, क्योंकि अभी इसका यूज नहीं है यहाँ पे। और हाँ, लॉक ऑल, लॉक ऑल में पूरी तरीके से ये लेयर लॉक हो जाएगी, आप इसके ऊपर कोई काम नहीं कर सकते, कुछ भी करना चाहें बिल्कुल नहीं कर सकते। ये ऑप्सिटीज लेके हर चीज़ें यहाँ से ऑन हो गई हैं। तो इसको लिए मैं अभी ऑन कर देता हूँ। अभी सारी लेयर्स को वापस से ऑन करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट का यूज करेंगे और क्लिक करेंगे तो सारी लेयर वापस ऑन हो जाएंगी। तो ये हो गई हमारे लिए। तो हमने कुछ ये ऑप्शन देखे, नीचे के भी ऑप्शन देख लिए। अभी हमारा क्या है, जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ बची हुई है, मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा बैकग्राउंड लेयर के बारे में। अब बैकग्राउंड लेयर क्या है, तो थोड़ी देर के लिए ये सारे जो लेयर्स हैं इनको मैं ऑफ कर देता हूँ। अभी ये बैकग्राउंड लेयर है हमारी, बैकग्राउंड लेयर व्हाइट कलर की। अगर मैं इसमें थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे, इसको ना तो ऑपसिटी को ऑन कर सकते हैं ना ऑफ कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शन विजिबल नहीं है। ओके, लेकिन हम कुछ ऑप्शन यहाँ के विजिबल हैं जो हम इसके अंदर कर सकते हैं। अभी क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते वो देख लेंगे। अगर मैं इसको पर्टिकुलर मूव करने के लिए जाऊँ, नहीं मैं मूव नहीं कर सकता हूँ, ऑपसिटी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि विजिबिलिटी ऑन नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इसमें सॉरी सेलेक्ट करता हूँ, ब्रश यूज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर ब्रश का यूज कर सकता हूँ। तो मतलब कुछ ऑप्शंस के, कुछ जो ऑप्शंस है इसमें, तो इसका मतलब ये है कुछ ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते हैं। अगर मैं इसे रीअरेंज करना चाहूँ, बैकग्राउंड को मान लीजिए मैं यहाँ लेके आना चाहूँ, नहीं ला सकते हैं क्योंकि ये बैकग्राउंड इसी तरीके से हमारी लेयर्स आ सकती है। हाँ, इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कैसे कर देंगे, यहाँ पर हमारा एक लॉक है, अगर मैं इस लॉक में क्लिक कर दूँ, ओके मैंने क्लिक कर दिया, तो ये हमारा लेयर जीरो, अब बैकग्राउंड लेयर नहीं रही, लेयर जीरो है। और ये पूरी तरीके से कुछ भी अब काम कर सकते हैं। मैं मान लीजिए मूव करना चाहूँ तो इसे मूव कर सकता हूँ, यहीं इसके ऊपर रीअरेंज करना चाहूँ तो रीअरेंज कर सकता हूँ, और इसकी ऑप्सिटी को कम करना चाहूँ तो ऑप्सिटी को भी कम कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। ओके, तो मैं वापस इन लेयर्स को ऑन कर लेता हूँ, देखें इसको भी ऑन कर लेता हूँ, तो यहाँ से इसकी ऑप्सिटी को मैंने कम ज़्यादा कर सकता हूँ ऐसे। तो ये था कुछ लेयर पैनल के बारे में जो बेसिक आगे के क्लासेस में यूज होने वाला है, इसलिए मैंने लेयर पैनल को अभी से डिस्क्राइब किया थोड़ा सा। बहुत से टूल्स आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे जिसमें क्या है कि लेयर पैनल को बाद में डिस्क्राइब किया, दूसरे टूल्स को पहले कर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि लेयर पैनल का जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ लेयर पैनल के बारे में चीज़ें थी। तो घर पे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इनकी जो इमेजेस यहाँ पे दिख रही हैं आपको, मैं इनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दे दूंगा जहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही था, नेक्स्ट क्लास में हम सिलेक्शन टूल्स को देखेंगे और थोड़े थोड़े से आगे की चीज़ें और देखते रहेंगे जैसे ही आगे क्लासेस में पढ़ते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, ख्याल रखें।